राजधानी पटना में भाजपा के तरफ से आयोजित विधानसभा मार्च के दौरान जमकर लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें जहानाबाद जिले के भाजपा महामंत्री की मौत हो गई है, जिसके बाद भाजपा में इसको लेकर काफी आक्रोश नजर आ रहा है। इस बीच अब जो ताजा जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक विजय कुमार सिंह का अंतिम संस्कार फतुहा में करवाया गया। दरअसल जहानाबाद जिले के सदर प्रखंड के कल्पा गांव निवासी भाजपा नगर महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई, जैसे के बाद इसकी मौत को लेकर बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है और इस मामले में भाजपा के कई नेता ने सरकार पर विजय सिंह का हत्या करने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी की तरफ से मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी घोषणा किया है। मौत का कारण बताया जा रहा था कि अनोन था, अपने आप दिखाया जा रहा था कि कहीं धीरे मिले, बहुत सारी बातें हो रही थी पोस्टमार्टम से पहले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है ब्लड क्लॉटिंग का, यानी माथे का चोट। देखिए ये हत्या है, मैंने पहले दिन से कहा है, और वो हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, हमारे नेता थे, जिला के नेता हैं, और ये हत्या है, मैंने बार बार कहा है। ये पुलिसिया गुंडा के द्वारा, नीतीश कुमार जी के पुलिसिया गुंडे के द्वारा हमारे वीर सपूत जो है वीर विजय सिंह की हत्या की गई है, ये मैंने बार बार कहा है। और आज देख लीजिए एक एक जगह पर, आप समझिए हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं का माथा फाड़ा गया, किसी को 14 टीका है, किसी को 16 टाका है। अब बताइए माथे पे आप अपराधी हैं क्या? हम तो लोकतांत्रिक तौर पर शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे थे, क्या आंदोलन करने का राइट खत्म है? लोकतंत्र खत्म हो गया। आज हमारा एक वीर सपूत हमारे बीच से चला गया, पूरी भारतीय जनता पार्टी मर्माहत है और बहुत चिंतन कर रहा है। हम आंदोलन तो आगे भी करेंगे, लेकिन हमारा भाई चला गया, हम इसको वापस नहीं ला पाएंगे, ये सबसे बड़ा दुख है। और एक बात है कि पढ़ने वाले बच्चे पे भी लाठी चार्ज किया गया है। मान लीजिए हम लोग तो प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन पीडब्ल्यू का बच्चा जो पढ़ने गया था उसको लड़की को ही लोग मारा है, वो क्या करने गई थी? और तो प्रदर्शन में नहीं गई। एकदम ठीक कर रहे हैं, आम लोगों को मारा, दिखा रही है कि वो वहाँ पर नहीं थे। अरे पुलिस तो लीपापोती करना चाहती है। हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और आवेदन देंगे कि शीघ्र कार्रवाई बिहार सरकार पे करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।